इब्रानियों के नाम पत्री 13वां अध्याय। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लोहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लोहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इन उपदेश की बातों को सह लेओ, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम यह जान लो कि तिमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।